अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने स्टार्ट करना है। हमने पहले जो है वो पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में बताया था कि अगर किसी भी इंस्टेंट में आप रिएक्शन का रेट चेक कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो जो रेट अचानक से आपने चेक किया है वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और एवरेज रेट की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि बच्चों दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जब आपने रेट चेक किया है उन दोनों रेट का क्या लेना है आपने, उन दोनों को ऐड करना है, टू से डिवाइड करना है, और आपने कहना है कि मैंने क्या लिया है, इसकी एवरेज लिया है। ठीक है, एवरेज, या आप इसको मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने मीन वेलोसिटी की बात की थी तो ये एवरेज रेट भी वही बात है। तो हमने एवरेज लिया है दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान और फिर हमने कहा कि अप्रोक्सीमेटली रिएक्शन का रेट इतना हो सकता है। ठीक है, और फिर जब हमने बात की थी हमने कहा था कि भाई जो है यहाँ पर माइनस डी जो है, डी किसी भी सब्सटेंस में किसी भी कंसंट्रेशन के स्मॉल चेंज को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डी, डेल्टा वेरी स्मॉल चेंज। अब अगर रिएक्टेंट को हम ए कह रहे हैं तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो हम साथ क्या लिख रहे हैं? माइनस लिख रहे हैं। और टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हमने प्लस डी बी लिखा है। ठीक है, ये कल की बातें थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। आज जो बच्चे हमने चीज़ पढ़नी है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान सा ही है, और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने पहले भी 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो हमने आज उसी को देखना है, और हमने आज एक नई टर्म है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, आज हमने उसको पढ़ना है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने बात करनी है लॉ मास एक्शन की। लॉ मास एक्शन जो है ये आप लोगों ने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आई गेस पहला दूसरा ही टॉपिक था ये लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब है कि जितनी कंसंट्रेशन ली है हम उसको एक्टिव मास कह रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज समराइज्ड इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन ये था कि हमने देखा था, मैंने आपको कल भी कहा, मैंने आपको पहले भी कहा कि बच्चे जो रिएक्शन का रेट है ना वो रिएक्टेंट की मिकदार पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही है बात की? अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की मिकदार क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो हमारा जो रिएक्शन रेट है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज़। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, वैसे तो आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, आपको सारी इसकी समझ होगी, लेकिन बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके रिएक्टेंट की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या कहा? मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें, मैंने कहा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उन रिएक्टेंट्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए बच्चे, जितने रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही उनके दरमियान जो टकराव है वो क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। जितना उनमें आपस में खलैयन बढ़ेगी उतना ही रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहता है कि जितना रिएक्टेंट एक्टिव मास का मतलब होता है कि जो उनकी कंसंट्रेशन है हम उसको एक्टिव मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, और अगर कहता है कि एक रिएक्टेंट है तो हम सिर्फ लिख रहे हैं कि रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है जैसे फर्ज करें नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? उन दोनों एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट होगा उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आगे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ये आपको पहले भी समझ है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल से भी समझाती हूँ। पहले आप स्टेटमेंट को समझ लें, लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो कहते हैं आर टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं तो हम कह रहे हैं कि जो रिएक्शन का रेट है
उनकी प्रोडक्ट के क्या है, उन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चे अब आपने प्रोडक्ट से कंफ्यूज नहीं होना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये वो वाली प्रोडक्ट है जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या होती है, प्रोडक्ट। तो ये वो वाली प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी जो है मैं आप लोगों को स्टेटमेंट समझा रही हूँ, ये स्टेटमेंट हमने जो है वो बहुत टाइम्स बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँगी कि जो रिएक्शन का रेट है ना बच्चों, वो रिएक्टेंट की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं उर्दू में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए, जितनी हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे ना बच्चों, उतना ही रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितने रिएक्टेंट्स कम होंगे उतना ही रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। यही वजह है कि रिएक्शन का रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और टाइम के साथ साथ जब रिएक्टेंट की मिकदार डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो रिएक्शन रेट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं कि एक्टिव ये लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट थी जो ये जो लिखी हुई है पिंक पिंक लाइन्स में, तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट क्या कहता है वो, वो कहता है फॉर द डल्यूट सोल्यूशन एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द इक्वल टू कंसनट्रेशन। कहता है अगर सोल्यूशन इतना गाढ़ा नहीं है, आम सोल्यूशन है, तो हम एक्टिव मास को ही उसकी क्या बोलते हैं, कंसनट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव मास बेसिकली कंसनट्रेशन ही है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को हम करते हैं अप्लाई और फिर देखते हैं। अब ये देखिए आपके बुक पे अप्लाई किया हुआ है, उसने कहा है कि ये जो कैपिटल ए है ये रिएक्टेंट है और कैपिटल बी भी क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब सी और डी पे आ जाएं तो सी कैपिटल और डी कैपिटल क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और स्मॉल सी और जो है हमारे पास स्मॉल डी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, प्रोडक्ट्स के। ठीक है बच्चों, कैपिटल जो है हमारे पास वो रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं और प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं। हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया तो हमने यही कहा था कि जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होंगे तो दोनों रिएक्टेंट को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दो रिएक्टेंट्स हैं तो ए और बी को क्या कर दिया हमने, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो हमने ब्रैकेट लगाया ये क्या बता रहा है, कंसनट्रेशन बता रहा है, मिकदार बता रहा है। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट्स जो हैं हमेशा क्या बताएंगे, कंसनट्रेशन बताएंगे। अगर MCQ आ जाए तो ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या बताएंगे, कंसनट्रेशन। ठीक है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। बी के मोल्स क्या होंगे, स्मॉल बी, और ए के मोल्स क्या होंगे, स्मॉल ए। ठीक हो गया, तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। अब बच्चों ये जो हमने लिखा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये कहता है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या कहलाएगा, रेट इक्वेशन कहलाएगा। द ब्रैकेट जो है, ये जो ब्रैकेट हमने लगाई है इसका क्या मकसद है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन को। ठीक है बच्चों, एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाएगा, या फिर रेट कांस्टेंट कहलाएगा, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा। ये किस टाइम पर रेट कांस्टेंट कहलाएगा, ये किस टाइम पर वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा, आज हमने इसको देखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना आपने, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कंसंट्रेशन का मतलब भी मिकदार है। ठीक है, तो जितनी रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं या स्मॉल सी एंड स्मॉल डी हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो
जब हमने लाफ मास सेक्शन की बात की थी तो हमने कहा था भाई रिएक्शन का जो रेट है उसका प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से लेना देना है। तो रिएक्टेंट हमारे पास एक तो ए था कैपिटल ए और दूसरा क्या था कैपिटल बी। जब एक रिएक्टेंट होगा तो हम एक ही लिखेंगे, जब एक से ज़्यादा हैं तो हम क्या कर लेंगे प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है जो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आ रही है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट नहीं है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखें, अब जब उसने नीचे का उसने कहा है इफ ए इज इक्वल टू 1 mole per decimeter cube एंड बी इज इक्वल टू 1 mole per decimeter cube दी बोथ ऑफ दीज आर रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब बच्चे आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है ये जो ऊपर लिखा हुआ है वहां पर आपने ए की जो कंसंट्रेशन उसने कितनी बनाई है 1 mole, तो जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर आपने क्या लिख देना है 1 लिख देना है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 1 mole per decimeter cube। और बी की भी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर उसने कितनी बताई है 1 mole per decimeter cube, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे ए के जगह पर 1 लिखेंगे बी के जगह पर भी 1 लिखेंगे तो 1 को आप जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 ही आएगा, ऐसे ही है ना। आप 1 को 100 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लें, आप 1 को 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लें आंसर सेम होगा। तो यहाँ पर भी ये जो हमारे पास 1 की पावर ए है या 1 की पावर बी है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप जितने टाइम्स भी मोल हो जाएंगे आप 1 को 100 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लें आंसर तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो कहता है कि रेट कांस्टेंट जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये उस टाइम कहते हैं जब हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 1 mole होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो आपने कहना है वो कांस्टेंट जिस टाइम पर हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 mole per decimeter cube है तो वो क्या कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सो अंडर द गिवन कंडीशंस के रिमेन कांस्टेंट बट इट चेंजेस विद टेम्परेचर, कहता है हाँ जो के की वैल्यू है जब हमने नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर दिया तो के क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर के चेंज होने से के की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो बढ़ जाता है, जब कोलिजन बढ़ जाता है तो उनकी रिएक्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। ये आगे हमारा टॉपिक भी आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट, तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे जो है टेम्परेचर के चेंज होने से के की वैल्यू चेंज हो गई है। अभी आपने इतना ही याद रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स ज्यादा टकराएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे उतने ही रिएक्शन होने के चांस ज्यादा हैं, तो उतनी ही जो है हमारे पास जो कांस्टेंट के है वो क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली वही कांस्टेंट है जिसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा है, लेकिन ये उस टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा जब हमारे पास जो रिएक्टेंट की मिकदार है वो 1 mole होगी। आप ऊपर देख रहे हैं ना जहाँ पर हमने ए की मिकदार लिखी हमने लिखा 1 mole per decimeter cube, बी की मिकदार लिखी 1 mole per decimeter cube। सो द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर यूनिटी, ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है एक, ठीक होगी बात। तो ये था हमारा आज छोटा सा टॉपिक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वो है जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 mole लिया है तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, मतलब कि के कांस्टेंट आ जाएगा। तो कहते हैं जब हमारे पास रिएक्टेंट्स 1 mole होंगी तो उस टाइम पर जो कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, हमने आज पढ़ा लॉ ऑफ मास सेक्शन, फिर हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को एग्जांपल से देखा और ये आज का टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये आप लोगों ने बॉयज 10th class की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में इसको देखा हुआ, ठीक है। रेट ये जो लिखा है आपने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए एंड बी बी, तो ये भी आप लोगों को सारा आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि जो कैपिटल है वो रिएक्टेंट्स बता रहा है, स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, यहाँ पर अगर 1 2 होता तो जहाँ पर स्मॉल ए है वहाँ पर अपने जितने मोल्स थे वो लिखने थे, ठीक है। और स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट थोड़ी सी एक न्यू चीज़ है लेकिन इतनी भी नई चीज़ नहीं है। क्या होता है स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट है जब हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो 1 mole है,
इसके अलावा कोई नई बात नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, तो हम अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। अच्छा भाई, ये हमने कल बात की थी, ये स्लाइड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट और टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस इफ मोर देन वन रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आज है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये स्टेटमेंट लिखनी है इसकी और बताना है कि ये क्या बताता है हमें, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द एक्टिव मासेस। एक्टिव मास क्या है, कंसंट्रेशन है, मिकदार है। Express as concentration of reacting substance is summarized in the form of in the law of mass action। ठीक है, अच्छा भाई, अब उसी law of mass action को explain किया हुआ है। क्या explain किया हुआ है कि साथ आपने ये example भी लिखनी है कि K A plus B और साथ ये brackets concentration को show कर रहे हैं कि ये क्या कहलाएगा, specific rate constant और velocity constant। ठीक है बच्चों, तो आज के topic से दो चीज़ें बननी है, एक define law of mass action, तो जितना मैंने लिखा है इस notes पे इन स्लाइड्स पे ये पूरा ही लिखना है, और अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या होता है वो, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी। जब हमारे पास रिएक्टेंट का एक एक मोल होगा तो जो कांस्टेंट हमारे पास आएगा सिंपल वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और ये देखें, लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, रेट ऑफ रिएक्शन के ए एंड बी, जहाँ पर वन वन था वहाँ पर आप ए और बी लिख रहे हैं ऊपर, तो वन को जितनी मर्जी टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आएगा, और जब के को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अंडर द गिवन कंडीशन के रिमेन कॉन्स्टेंट बट इट चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, के वैल्यू टेम्परेचर के साथ बदल जाएगी, लेकिन वैसे रिएक्टेंट्स के वन वन मोल होने से के की वैल्यू सेम रहेगी और ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। क्या है स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है उस टाइम पर जब हमारे पास रिएक्टेंट की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने होंगे, वन वन मोल होगा। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और के। ठीक है, तो दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक जितना पढ़ा है वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो स्लाइड्स दे रही हूं उनके साथ साथ आप प्रिपेयर कर लें। आज के दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। बच्चों कल हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कल हम इंशाल्लाह लाइव ही पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आप इसको सुने। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स वगैरह आप लोगों के मिसिंग है वो आप लोग अपनी बुक के साथ साइड पे लिख लें। कल इंशाल्लाह आप लोगों की लाइव क्लास होगी, तो फिर कल हम इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह भी उसका भी आंसर दे दूंगी। अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो वो आज के या कल के तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो कल वाला जो टॉपिक था हमारा उसको भी देख लें, अगर उसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप फिर मेरे से पूछ लें। ये देखें, कल वाला जो था इसमें एक क्वेश्चन था व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट, जो टॉपिक कल पढ़ा था, और आज के दो क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आंसर समेत मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। ठीक है बच्चों, कल हमने पढ़ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने मिस नहीं करना। तो कल की क्लास इंशाल्लाह लाइव होगी, ठीक है, मतलब कि हम जूम पे लाइव क्लास लेंगे। आज की क्लास रिकॉर्डेड है तो आप काइंडली इसको सुने, कोई क्वेश्चंस हैं कुछ भी हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर कल जब हम लाइव क्लास लेंगे तो तब इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अपना जो है इन दोनों लेक्चर्स को देख लें और फिर कल इंशाल्लाह हम लाइव क्लास में जूम पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।